मैं चाना आज की वीडियो का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है वैगनर मिरवाइन रीअरेंजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वैगनर मिरवाइन रीअरेंजमेंट इस रीअरेंजमेंट में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन इन्वॉल्व होता है और जो इसका रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकेटाइन होता है, यानी कार्बोकेटाइन बनता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन आइटम। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन वन टू रीअरेंजमेंट रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन अल्काइल और एराइल ग्रुप माइग्रेट फ्रॉम वन कार्बन टू अ नेबरिंग कार्बन। यानी जो कार्बोकेटाइन की वन कार्बन नंबर वन से कार्बन नंबर टू पर रीअरेंजमेंट है, जिसमें हाइड्रोजन अल्काइल और एराइल ग्रुप जो है वो माइग्रेट करता है अपने साथ वाले कार्बन आइटम। और इस रिएक्शन का जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो हाईली ब्रांच्ड नियोपेंटाइल केटाइन, जो कि हाईली ब्रांच होता है। और ये स्ट्रक्चर भी दिया गया है और यहाँ पे वन टू शिफ्ट भी हो रही है, यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन नंबर टू से जो है वो मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी जनरल मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे अल्कोहल दिया गया है, एच पॉजिटिव सिस्टम में ऐड होगा और OH2 पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर वाटर मॉलिक्यूल माइनस H2O के फॉर्म में रिमूव होगा और जहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है जिस कार्बन एटम पे, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, और अब जो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके जो एडजेसेंट कार्बन एटम है, यानी साथ वाला कार्बन एटम है, वहाँ से मिथाइल ग्रुप या कोई भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर अल्काइल दिया गया, अल्काइल ग्रुप शिफ्ट होगा। ठीक है, यानी कार्बन नंबर वन से कार्बन नंबर टू पर शिफ्ट होगा, इसलिए इसको 1-2 अल्काइल शिफ्ट कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पे देखें, जो कार्बोकेटाइन बना है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन है। देखें, यानी सेकेंडरी से टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया है और जहाँ से मिथाइल शिफ्ट हुई थी अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, अब उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए जो हाइड्रोजन है वो अपना बॉन्ड दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान में शिफ्ट करेगा और ख़ुद सिस्टम से रिमूव हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा और इस तरह एक अल्कीन बन जाएगी। अगर हम जनरेशन की बात करें कार्बोकेटाइन जनरेशन की, तो कार्बोकेटाइन जो है वो इन चार तरीक़ों से जनरेट हो सकता है, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, एमाइन और अल्कीन। यानी इन चार तरीक़ों से जनरेट होने के बाद कार्बोकेटाइन जो है फर्दर वैगनर मिरवाइन रीअरेंजमेंट का प्रोसेस होता है। यानी चारों में से किसी भी तरीके से पहले कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और उसके बाद फर्दर आगे वैगनर मिरवाइन रीअरेंजमेंट जो है वो स्टार्ट होगी। सही है, अब इसके बाद हम इस रीअरेंजमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि मिथाइल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर वन से कार्बन नंबर टू पर शिफ्ट, इसीलिए इसको 1-2 अल्काइल और मिथाइल शिफ्ट कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखें कि इस रिएक्शन की जो ड्राइविंग फोर्स होती है वो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, जो कि हमने रिएक्शन में भी देखा था कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से टर्शरी कार्बोकेटाइन बना था। हमें पता है सबसे स्टेबल जो है वो टर्शरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। हमें पता है ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है रिएक्शन आगे किस तरह प्रोसीड करेगा, तो ड्राइविंग फोर्स जो है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो लिविंग ग्रुप होता है वो अपने दोनों सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ माइग्रेट करता है, जैसे हमने देखा था। और जो वाटर होता है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन साथ लेकर गया था अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए इस रीअरेंजमेंट को सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जो माइग्रेटरी ग्रुप था, जो कि मिथाइल था, वो सिस्टम से कम्प्लीटली डिटैच नहीं होता। ठीक है ना, तो इसलिए इस रीअरेंजमेंट को इंट्रा मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। यानी ये इंट्रा मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट की एक टाइप है। ये तो हमने बात कर ली स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की। उसके बाद आते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन जो है वो ड्राइविंग फोर्स नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि रिलीफ ऑफ स्ट्रेन जो है वो ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है। यानी रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए एलिसाइक्लिक सिस्टम ने हमें स्ट्रेन को कम करना पड़ेगा, और स्ट्रेन हमें पता है जैसे जैसे रिंग का साइज इंक्रीज होता है वैसे वैसे स्ट्रेन कम होता है, और जितना ज़्यादा छोटा रिंग होता है उसमें उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन होता है। आगे ये एग्जांपल अगर हम देखें, OH ग्रुप अटैच है, एक सिस्टम में H3O पॉजिटिव ऐड होगा
और इसको OH2 पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। OH2 पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा सिस्टम से, और इधर जहाँ से रिमूव हुआ है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे उसी तरह मिथाइल शिफ्ट हुई है, सही है, और जो जहाँ से शिफ्ट हुई अब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर उसी तरह जो हमने पीछे देखा था कि हाइड्रोजन अपना बॉन्ड दोनों कार्बन के दरमियान में ट्रांसफ़र करके डबल बॉन्ड बनाने का खुद सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली एग्जांपल है ये एप्लीकेशन भी आती है इस अरेंजमेंट की। ये रिंग एक्सपेंशन हो रही है, यहाँ पे 5 कार्बन रिंग से जो है वो 6 कार्बन रिंग बन रहा है। तो देखें HBr ऐड होता है सिस्टम में, डबल बॉन्ड रिमूव होता है, एक जगह पे जाके H अटैच होता है, दूसरी जगह पे जाके Br अटैच होता है। अब जो Br रिमूव होगा तो उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखें जहाँ पे एरो है जिधर कार्बन एटम के दरमियान, तो दो कार्बन एटम के दरमियान में बॉन्ड टूटेगा और जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ जाके बॉन्ड बना लेगा और इस तरह 6 कार्बन रिंग जो है वो बन जाएगा, ठीक है। एक और बात यहाँ पे नोट करेंगे, जो 5 कार्बन रिंग था वो टर्शरी कार्बोकेटायन था और जो 6 कार्बन रिंग बना है वो सेकेंडरी है। यानी कहने का मकसद ये है कि इधर रिंग स्ट्रेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है, ना कि नेचर ऑफ कार्बोकेटायन को। यानी लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बना है, मोर स्टेबल से लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बना है, लेकिन रिंग स्ट्रेन जो है वो कम होने की वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड हुआ है और उसी तरह मिथाइल शिफ्ट हुई है, फिर Br जाके वहाँ पे अटैच हो गया। और सेकेंड एग्जांपल में भी इसी तरह सेकेंड रिंग में भी इसी तरह जो है वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, यानी टर्शरी से प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, लेकिन रिंग स्ट्रेन होने की रिलीज होने की वजह से जो रिएक्शन है वो आगे को प्रोसीड। यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं अल्फा पाइनिन की। यहाँ पे HCl ऐड होता है, डबल बॉन्ड टूटता है, Cl और H जो है वो आगे अटैच होता है। फिर जब Cl रिमूव होता है जो कार्बोकेटाइन बनता है वो टर्शरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन स्ट्रेन जो होता है वो ज़्यादा है क्योंकि रिंग साइज जो है वो छोटा है। फिर नेक्स्ट पे जो कार्बोकेटाइन बना है वो सेकेंडरी है, लेकिन रिंग साइज इंक्रीज होने की वजह से, यानी रिंग का साइज है वो बढ़ने की वजह से स्ट्रेन कम हो गया है। तो इस वजह से ये रिएक्शन को ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी रिंग का जो साइज है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है उस रिंग में स्ट्रेन ज़्यादा है और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है उस रिंग में स्ट्रेन कम है। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन से लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। यानी इससे बात से ये प्रूव हुआ कि जो एलिसाइक्लिक सिस्टम है उसमें साइज ऑफ रिंग और नेचर ऑफ कार्बोकेटाइन में से जो चीज़ मैटर करती है वो साइज ऑफ रिंग है, ना कि नेचर ऑफ कार्बोकेटाइन। यानी नेचर ऑफ कार्बोकेटाइन जो है वो एलिसाइक्लिक सिस्टम में मैटर नहीं करता है, चाहे स्टेबल हो चाहे लेस स्टेबल, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर बात करें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, यानी यहाँ पे जो जनरल रूल है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का, जो हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा फिनाइल का होता है, फिर एराइल का होता है, फिर अल्काइल का होता है, फिर हाइड्रोजन का होता है, वो यहाँ पर फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं फॉलो होता, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन अमाइन से बनते हैं, हमें पता है अमाइन जो है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, फिर नाइट्रोजन जो है वो गैस रिलीज हो जाती है, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो एक गुड लिविंग ग्रुप है। यानी उसको रिमूव करवाने के लिए किसी भी किस्म की बैक पुश या एंकी मेरिक एजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो जाहिर सी बात है जब ज़रूरत एंकी मेरिक एजिस्टेंस नहीं होगी तो फिर जनरल रूल जो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का वो भी फॉलो नहीं होगा। हमें पता है जो हैलोजन्स होते हैं और OH होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप्स होते हैं, तो उनको रिमूव करवाने के लिए बैक पुश रिक्वायर होती है, एंकीमेरिक एजिस्टेंस रिक्वायर होती है। तो वहाँ पर जनरल रूल है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का वो फॉलो होता है, पर जहाँ पर लिविंग ग्रुप आसानी से रिमूव हो जाता है ना, वहाँ पर जनरल रूल फॉलो नहीं होता। तो हमने ये देखा कि जो N2 होती है गैस वो ईजिली रिमूवेबल होती है, इस वजह से वहाँ किसी भी किस्म की एंकीमेरिक एजिस्टेंस जो है वो रिक्वायर नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे नियोपेंटाइल केटाइन बनाने के लिए यहाँ पर इस कंपाउंड का रिएक्शन हमने HNO2 से करवाया है। अब HNO2 जो है वो NH2 को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करेगा और रिमूव करवा देगा। आपको पता है कि पढ़ा हुआ होगा आपने कि किस तरह सारा प्रोसेस होता है। तो
ये क्योंकि एक NH2 जो है वो एक इजी लीविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सल एंड हेलोजेंस, तो यही वजह है कि आसानी से रिमूव हो जाएगा और फिनाइल को किसी भी किस्म की बैक पुश लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड NH2 जो है वो N2 की फॉर्म में रिमूव होगा और जो फिनाइल है वो कार्बन नंबर 2 पर माइग्रेट कर जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शन है एंकीमेरिक रेजिस्टेंस की कि इस केस में, इस तरह के केसेस में जो फिनाइल होता है वो बैक पुश या एंकीमेरिक रेजिस्टेंस जो है वो नहीं फॉलो करता, और क्योंकि यहाँ पर जो है वो माइग्रेशन जो होती है वो इजीली हो जाती है, यानी यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो इजीली जो है वो लीव कर लेता है कंपाउंड को, जैसे कि N2 जो कि गैस की फॉर्म में रिमूव हो जाता है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद समझ आ गई होगी, आगे देखते हैं मज़ीद इसके बारे में। उसके बाद स्टेरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो ओवरऑल जो रीअरेंजमेंट होती है वो स्टेरियो स्पेसिफिक होती है, यानी कि जो चीज़ बिलो द प्लेन है रिएक्शन से पहले वो बाद में भी बिलो द प्लेन रहेगी, और जो अबव द प्लेन थी वो बाद में रिएक्शन के बाद भी अबव द प्लेन ही रहेगी। बस सिर्फ और सिर्फ जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होती है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन यानी माइग्रेटरी टर्मिनस पे होती है, यानी जहाँ पे जाके लीविंग ग्रुप सॉरी माइग्रेटरी ग्रुप अटैच होता है वहाँ पे होती है सिर्फ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि माइग्रेशन ग्रुप और लीविंग ग्रुप को एक दूसरे को एक दूसरे से ट्रांस होना चाहिए, यानी एक को अबव द प्लेन होना चाहिए दूसरे को बिलो द प्लेन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कॉन्फ़िगरेशन को मज़ीद समझने के लिए एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखें कि देखें न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया माइग्रेटरी ओरिजिन पे, तो उसके साथ R यानी माइग्रेटरी ग्रुप अटैच था, तो वो माइग्रेटरी ग्रुप जो है वो टर्मिनस पे जाके अटैच हो गया, और टर्मिनस के साथ जो लिविंग ग्रुप था उसने सिस्टम को लीव कर दिया। ठीक है, तो देखें बाकी हर जगह पर तो रिटेंशन रही है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई, बट कहाँ पे इन्वर्जन हुई है? माइग्रेटरी टर्मिनस पे। यानी ओवरऑल रिएक्शन स्टेरियो स्पेसिफिक ही रहता है, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन माइग्रेटरी टर्मिनस पे होती है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। खुदा हाफिज़।